आज के वीडियो में मैं एयरटेल डीटीएच एचडी सेट टॉप बॉक्स के 10 रिचार्ज प्लान्स के बारे में बताऊंगा और साथ में एयरटेल डीटीएच एचडी सेट टॉप बॉक्स के कुछ फीचर्स और ऑनलाइन से रिसर्च किए हुए कस्टमर्स के अच्छे फीडबैक और बुरे फीडबैक के बारे में भी बताऊंगा। इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। शुरू करते हैं एयरटेल डीटीएच के रिचार्ज प्लान से, 10 रिचार्ज प्लान से। तो पहला प्लान है वैल्यू स्पोर्ट्स पैक, जिसका प्राइस है ₹360 पर मंथ। इसमें बेनिफिट्स देखें तो 60+ चैनल्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग स्टार स्पोर्ट्स, सोनी 10 एंड मोर। ये स्पोर्ट्स लवर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरे प्लान की तरफ देखते हैं, एंटरटेनमेंट प्लस एचडी, इसका प्राइस है ₹499 पर मंथ। बेनिफिट्स देखें तो 80+ एचडी चैनल्स मिलेंगे, पॉपुलर एंटरटेनमेंट चैनल्स लाइक जी टीवी एचडी, कलर्स एचडी एंड सोनी एचडी। तीसरे प्लान को देखें तो यह है फैमिली पैक, प्राइस है ₹265 पर मंथ। बेनिफिट्स देखें तो 50+ चैनल्स होंगे और ये कवर करेगा सारे जॉनरे को, जो कि फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए सही है, विद किड्स म्यूजिक एंड न्यूज़ चैनल्स। चौथा प्लान है एचडी प्रीमियम पैक, प्राइस है इसका ₹699 पर मंथ। बेनिफिट्स देखें तो 100+ एचडी चैनल्स मिलेंगे, प्रीमियम चैनल्स होंगे जैसे कि एचबीओ एचडी, स्टार मूवीज एचडी एंड नेट जियो एचडी। पांचवा प्लान देखें तो साउथ सुपर वैल्यू, प्राइस है इसका ₹275 पर मंथ। बेनिफिट्स देखें तो 55+ साउथ इंडियन रीजनल चैनल्स मिलेंगे, पॉपुलर तमिल तेलुगु एंड कनाडा चैनल्स। छठवां प्लान है माई स्पोर्ट्स एचडी, प्राइस है इसका ₹450 पर मंथ। बेनिफिट्स देखें तो 65+ एचडी चैनल्स मिलेंगे, जिसमें स्पोर्ट्स चैनल्स होंगे, परफेक्ट फॉर स्पोर्ट्स एंड एचडी क्वालिटी लवर्स। सातवां प्लान देखें तो मेगा एंटरटेनमेंट, प्राइस है इसका ₹549 पर मंथ। बेनिफिट्स देखें तो 75+ चैनल्स हैं, इंक्लूडिंग पॉपुलर मूवीज एंड टीवी शोज, कॉम्बो ऑफ रीजनल एंटरटेनमेंट एंड किड्स कॉन्टेंट। आठवां प्लान देखें तो किड्स एंड फैमिली पैक है, प्राइस है इसका ₹310 पर मंथ। बेनिफिट्स देखें तो 60+ चैनल्स हैं किड्स और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए, और बेस्ट रहेगा ये फैमिली फ्रेंडली व्यूइंग के लिए। नौवां प्लान देखें तो अल्टीमेट हिंदी पैक, प्राइस है इसका ₹289 पर मंथ। बेनिफिट्स है 55+ हिंदी चैनल्स, बेस्ट फॉर हिंदी एंटरटेनमेंट मूवीज एंड न्यूज़। और दसवां प्लान है एचडी मूवी मेनिया, प्राइस है इसका ₹420 पर मंथ। बेनिफिट्स है 65+ एचडी मूवी चैनल्स, इसमें सारे लेटेस्ट मूवीज मिल जाएंगे स्टनिंग एचडी क्वालिटी में। तो अब बात कर लेते हैं एयरटेल डीटीएच एचडी सेट टॉप बॉक्स के फीचर्स के बारे में और क्या प्राइस है उसका। और मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, कोरा डिस्कशन, वहाँ से रिसर्च करके ये भी निकाला है कि कस्टमर्स ने क्या अच्छा फीडबैक दिया है इस एयरटेल डीटीएच के बारे में और क्या बुरा फीडबैक दिया है। तो शुरू करते हैं एयरटेल डीटीएच एचडी सेट टॉप बॉक्स के फीचर्स या इसका रिव्यू करते हैं। तो अमेजोन रेटिंग देखें तो 4.2/5 है और फ्लिपकार्ट रेटिंग देखें तो 4.1/5 है। प्राइस है इसका ₹1499 से लेकर ₹1599 तक। इंक्लूजन्स देखें तो एक मंथ फैमिली किड्स स्पोर्ट्स पैक मिलता है, फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है और रिकॉर्डिंग फीचर भी मिलता है इसमें विद USB सपोर्ट। चैनल पैकेजेस देखें तो फैमिली किड्स स्पोर्ट पैक सूटेबल फॉर फैमिलीज विद किड्स। अकोरा की रेटिंग देखें तो पॉजिटिव रेटिंग है और बाकी अदर सर्च इंजन देखें जैसे गूगल तो उसका भी पॉजिटिव फीडबैक आया है। कस्टमर्स की अच्छे फीडबैक के बारे में देख लेते हैं अमेजोन पे, तो इसे पसंद किया गया है इसके डाइवर्स चैनल पैकेजेस के लिए, स्पेशली फॉर फैमिलीज एंड स्पोर्ट्स लवर। रिकॉर्डिंग फीचर काफ़ी पसंद किया जाता है इसमें। और फ्लिपकार्ट कस्टमर फीडबैक देखें तो कस्टमर्स ने हाईलाइट किया है पिक्चर क्लैरिटी और वैरायटी ऑफ चैनल्स को, और रिकॉर्डिंग फीचर इसमें भी काफ़ी पसंद किया गया है कस्टमर्स की तरफ से। कोरा सर्च इंजन में देखें तो कस्टमर्स ने अप्रिशिएट किया है इसके रिकॉर्डिंग फीचर को और कॉम्प्रिहेंसिव चैनल ऑफरिंग्स को, ये रेकमेंड किया जाता है फैमिलीज एंड स्पोर्ट्स लवर्स के लिए। और अदर सर्च इंजन्स में देखें जैसे गूगल तो वहाँ पे भी कस्टमर्स ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है इसके चैनल डाइवर्सिटी और रिकॉर्डिंग फीचर को, काफ़ी कस्टमर्स ने पसंद किया है, काफ़ी कस्टमर्स को लगा है कि ये गुड वैल्यू है फैमिलीज के लिए। अब कस्टमर्स की कंप्लेंट्स देख लेते हैं। अमेजोन में कई कस्टमर्स ने रिपोर्ट किया है इशू विद कस्टमर सर्विस एंड ओकेजनल सर्विस इंटरप्शंस। फ्लिपकार्ट का देखें तो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आती है इसके रिमोट कंट्रोल ड्यूरेबिलिटी और कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स टाइम्स में। कोरा डिस्कशन में देखें तो मिक्स फीडबैक आता है कस्टमर सर्विस पे, कुछ कस्टमर्स ने फील किया है सर्विस एडजस्टमेंट्स फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है। अदर सर्च इंजन्स में देखें जैसे गूगल तो उसमें कस्टमर्स ने कॉमन कंप्लेंट्स करी है इसके कस्टमर सर्विस के लिए और फ्रीक्वेंट ज़रूरत होती है टेक्निकल एडजस्टमेंट के लिए। तो अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो इसको पसंद किया गया है इसके डाइवर्स चैनल पैकेजेस के लिए और रिकॉर्डिंग फीचर के लिए, स्पेशली अपीलिंग टू फैमिलीज़।
वैसे कस्टमर सर्विस और रिमोट कंट्रोल ड्यूरेबिलिटी एक कॉमन कंप्लेंट आती है कस्टमर्स की तरफ से। तो ये थे एयरटेल डीटीएच के 10 रिचार्ज प्लान्स की डिटेल्स और एयरटेल डीटीएच के फीचर्स के बारे में और ऑनलाइन रिसर्च किए हुए प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोरा, गूगल सर्च इंजन, यहाँ से कस्टमर्स ने क्या अच्छे फीडबैक दिए हैं, क्या बुरे फीडबैक दिए हैं एयरटेल डीटीएच के लिए। इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।